नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सातवां मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान के बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा रन नीदा डार ने बनाया। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नीदा डार ने 34 गेंदों पर 28 रन बनाया। इस पारी में नीदा डार ने एक चौका भी लगाया। दूसरी सबसे कामयाब बल्लेबाज विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज मुनीबा अली है, जिन्होंने 26 गेंदों पर 17 रन बनाया और दो चौके भी जड़े। भारत के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 20 ओवरों में 105 रनों पर ही ढेर कर दिया, लिहाजा पाकिस्तान भारत के सामने 8 विकेट खोकर 105 रनों का टारगेट सेट कर दिया। भारत के हर एक गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी किया, पर भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवरों में 19 रन देकर 3 विकेट निकाला। और स्पेल अरुंधति रेड्डी का टी20 इंटरनेशनल का सबसे बेहतरीन स्पेल है। ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवरों में 12 रन देकर 2 विकेट झटका और 1 ओवर मिडन भी डाला। रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा और आशा शोभना, इन तीनों गेंदबाजों ने 1-1 विकेट निकाला। मैच के दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आए भारत के ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा सूझबूझ से बैटिंग किया, फिर भी स्मृति मंदना जल्द ही अपना विकेट खो दिया। भारत की ओर से बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा रन शेफाली वर्मा ने लगाया है। शेफाली वर्मा ने 35 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 32 रन बनाया है। वहीं कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 24 गेंदों पर 29 रन बनाया और 1 चौका भी जड़ा। हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज है और बाकी बल्लेबाजों के योगदान से भारत 18 ओवर 5 गेंदों पर ही 4 विकेट खोकर 108 रन बना डाला और आसानी से 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। अब तक भारत और पाकिस्तान का वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में 8 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 6 बार भारत ने पाकिस्तान को रुलाया है। पाकिस्तान की ओर से कैप्टन फातिमा सना ने 4 ओवरों में 23 रन देकर 2 विकेट झटका है। दूसरी सबसे किफायती गेंदबाज सादिया इकबाल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट निकाला है। भारत की गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को उनके बेहतरीन स्पेल के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया।